Today on Sound Custom Gurus. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सान कस्टम ग्रास वंस अगेन। सो दोस्तों, हमारे आज के इस नए वीडियो में अपलोड होने वाला एक बहुत ही यूनिक कस्टम कार जो कि ओरिजिनल तो मैंने खरीदा था लेकिन इसे कस्टमाइज किया गया है सान कस्टम ग्रास के खुद का स्टाइल में। सो आप गेस कीजिए कौन सी कार है। वेल, ये कार है द आइकॉनिक ओरिजिनल ह्यूंडई आई10। ग्रैंड आई10 नहीं, ये ओरिजिनल आई10 है जिसकी वजह से आई10 सेगमेंट पॉपुलर हो पाया था। सो क्या आप उस कार को देखने तैयार हो? ओके, सो कार में से आने ही वाला है 1, 2 एंड 3। द फुल्ली कस्टमाइज्ड ह्यूंडई आई10 फ्रॉम सेंटी टॉयज। ये देखिए कस्टम ग्रिल, कस्टम हेडलाइट्स, कस्टम ब्लैक डिटेलिंग, वाइनल रैपिंग रूफ टॉप, इवन बिल्कुल सैन कस्टम ग्रास के खुद का स्टाइल में। सो उससे पहले कि मैं आप लोगों को इस कार के बारे में और इन्फॉर्मेशन बताऊं, चलिए कार का एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। हाँ, तो ये कार मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, मतलब ज्यादा बार नहीं दिखाया था, आई थिंक एक दो बार ही दिखाया था। सो ये कार एक्चुअल में मैंने ओरिजिनली तो खरीदा था, इसे खरीदे हुए तकरीबन 2 साल ही शायद हो गया है, मुझे ठीक से याद नहीं मैंने कब खरीदा था, लेकिन 2018 या 19 में शायद खरीदा था। सो जब मैंने कार खरीदा था तब ये बस एक नॉर्मल सेंटी टॉयज की ह्यूंडई आई10 हुआ करता था, सिंपल व्हाइट कलर की जिसमें नॉर्मल डिटेलिंग्स था, कुछ भी कस्टमाइजेशन नहीं था। सो पिछली बार जब मैंने आपको कार दिखाया था तब कार में कुछ मॉडिफिकेशन ऑलरेडी तभी तक डन हो ही चुका था, जैसे कि कुछ डिटेलिंग वगैरह, लेकिन जो कुछ भी हैवी मॉडिफिकेशन है, मतलब जो मेन मॉडिफिकेशन है, वो बस कुछ दिन पहले डन हुआ है और मैंने कुछ दिन पहले कार को थोड़ी बहुत क्लीन भी किया। ये कार एक्चुअली में काफ़ी समय से मेरे एक शोकेस के ऊपर पड़ा हुआ था जिसकी वजह से आप लोग यहाँ विंडशील्ड में काफ़ी सारे डार्क नजर आएगा, ये सब कुछ चीज़ें ऑलमोस्ट खराब हो गया है, बाद में ये सब भी मुझे क्लीन करना होगा क्योंकि आपको देख सकते हैं कि कार में काफ़ी डार्क लग गया है। तो ये एक्चुअली में काफ़ी समय से तकरीबन 7-8 महीनों से शोकेस के ऊपर पड़ा हुआ था, अनयूज, हाथ तक नहीं लगाया था, जिसकी वजह से कार काफ़ी बहुत खराब हो गया था, लेकिन मैंने कार को क्लीन किया और फिर कार में कुछ और नए मॉडिफिकेशन करने की सोचा और रिजल्ट आप लोगों के सामने। सो सबसे पहले बारी आती है कार की फ्रंट एंड की। अगर फ्रंट एंड की बात करें तो वैसे इस कार को एक्चुअली में इस तरह से कस्टमाइज किया गया है कि ये देखने में आजकल की नई ह्यूंडई कार्स के साथ कंपैरिजन में आए, क्योंकि आई10 एक बहुत ही पुरानी मॉडल है और अब इसकी जो डिजाइन है ये काफी बहुत देखने में आउटडेटेड जैसा लगने लग रहा है, और इसलिए मैंने कार को इस तरह से कस्टमाइज कर दिया कि ये देखने में बिल्कुल आजकल की नई ह्यूंडई कार्स की गाड़ी है। सो अगर फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा फुल्ली ब्लैक फ्रंट ग्रिल। सो ये ब्लैक फ्रंट ग्रिल जो आप देख सकते हैं, एक्चुअली में कार का जो एक्चुअल फ्रंट ग्रिल था मैंने उसे और नीचे की जो लोअर बैलेंस वाली जो ग्रिल है उसे मैंने उन दोनों ग्रिल्स को एक साथ में जोड़ दिया, जिसकी वजह से सामने के हिस्से में एक आजकल के नए ह्यूंडई कार्स की ट्रैक लुक आ गया, और साथ में मैंने यहाँ पर एक ब्लैक स्ट्राइपिंग भी कर दिया जिसकी वजह से कार देखने में सामने से बिल्कुल ग्रैंड आई10 की तरह दिख रहा है। ऑफकोर्स इस कार को ऑलमोस्ट सामने से ग्रैंड आई10 से ही इंस्पायर होकर बनाया गया है, हालांकि हेडलाइट्स और यहाँ फॉग लैंप्स वाले जो ये सब ब्लैक लाइट्स है
ये मतलब इतनी ग्रैंड आइडेंसी हुआ नहीं है, लेकिन मैंने बस ग्रिल वाला हिस्से को ग्रैंड आइडेंसी पे आके बनाया है। और आपको देख सकते हैं कि कार सामने से कितनी कमाल की दिख रही है। सो नेक्स्ट बार ये आती है कार की साइड प्रोफाइल की। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में आपको देखने को मिलेगा ब्लैक विंडो पिलर्स। सो मैंने जब कार खरीदा था तब ये सब पिलर्स नॉर्मल वेल व्हाइट ही था, इनमें कोई डिटेलिंग नहीं था, लेकिन ये सब ब्लैक डिटेलिंग जो कि बस रिसेंटली डन हुआ है। लेकिन डिटेलिंग की वजह से कार का जो विंडो की जो डिजाइन है वो ऑलमोस्ट बदल गया है। यहाँ ये सब जो कुछ भी डोर हैंडल से जो चीज़ें हैं और साइड व्हीलिंग जैसे इनमें भी डिटेलिंग कर दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा पेंट लग गया है, ये सब पेपर भी लगी ज़्यादा है। और अगर साइड मिरर्स की बात करें तो साइड मिरर्स वैसे तो इस कार में ओरिजिनली ही बॉडी कलर था, लेकिन ये ब्लैक डिटेलिंग एक्स्ट्रा कर दिया गया है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये मिरर्स एक्चुअल में ओपरेबल है। हालांकि मिरर्स तो वैसे ओपर नहीं होती है, ये एकदम फिक्स्ड है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियलिस्टिक दिख रही है। व्हील्स की बात करें तो व्हील्स वैसे इस कार में वेल कुछ ज़्यादा ही लो क्वालिटी है। एक्चुअली में यह कार का ओरिजिनल व्हील सीट था जिन्हें बस मैंने ब्लैक कलर की वाइनल रैपिंग कर दिया। वाइनल रैपिंग करने की वजह से क्या हुआ कि जो इस व्हील की जो पैटर्न है बहुत छुप गया और बस आप लोग को एक स्टार शेप की एक डिजाइन ही नजर आएगा, उसके सिवा और कुछ नजर नहीं आ रहा है। मैं बाद में व्हील्स का वेल कुछ ना कुछ करने की सोच रहा हूँ क्योंकि ये मॉडिफिकेशन व्हील्स को और भी ज़्यादा लो क्वालिटी बना दिया। मैं बाद में व्हील्स का भी कुछ ना कुछ करने की सोच रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल कार आप कितनी कमाल की दिख रही है आप खुद देख सकते हैं। सो आखिर में बारी आती है कार की रियर एंड की। अगर रियर एंड की बात करें तो रियर एंड में भी आप लोगों को सामने की तरह ही ब्लैक टेल लाइट नजर आएगा। सामने जैसे हेडलाइट्स को ब्लैक कर दिया गया है और यहाँ पर ये स्ट्राइपिंग कर दिया गया है, वैसे ही पीछे में भी आप लोगों को सिमिलर स्ट्राइपिंग और सिमिलर लाइट्स देखने को मिलेगा। ये टेल लाइट जो कि एक्चुअली में ब्लैक कलर की वाइनल रैपिंग कर दिया गया है। जो कुछ भी आप लोग स्टिकर वगैरह देख रहे हैं ये सब एक्चुअली में असली कार में लगाने वाले स्टिकर्स है, जिसकी वजह से ये सब वाटर प्रूफ है। ये ना ही कभी निकलने वाला है या ना ही आप इन्हें निकाल सकते हैं। ये स्ट्राइपिंग भी बिल्कुल वाइनल रैपिंग से ही बनाया गया है। आई थिंक वाली लाइसेंस प्लेट तो वैसे पहले से ही था, वेल मैंने इसे नहीं लगाया है। हालांकि सामने भी एक लाइसेंस प्लेट था जो कि मैंने बाद में रिमूव कर दिया क्योंकि मैंने सामने वाले इसी को ब्लैक कर दिया, आपने तो दिखा ही है। सो अगर इन नीचे वाले लाइट्स की बात करें यानी कि इन रिफ्लेक्टर्स की बात करें तो वैसे इस कार में कोई रिफ्लेक्टर्स था नहीं, लेकिन ओरिजिनल Hyundai i10 में यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर्स रेड कलर की होती है। वैसे भी हर कार्स में रिफ्लेक्टर्स रेड कलर की ही होती है। मैंने पहले इन सबको रेड कलर की किया था, लेकिन बस रिसेंटली मैंने इन्हें ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि अब कार में सारे लाइट्स ही मतलब ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया जा चुका है। सो उसके वजह से रेड कलर के रिफ्लेक्टर्स वैसे भी इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, सो इसलिए मैंने रिफ्लेक्टर्स को भी ब्लैक कलर में पेंट कर दिया। और यहाँ पर ये जो कुछ भी चीज़ें दिख रहे हैं अब ये सब भी ब्लैक डिटेलिंग कर दिया गया है। बैजेस वगैरह तो अभी तक कार में लगाया नहीं गया है, लेकिन मैं बाद में बैजेस भी लगाने की सोच रहा हूँ। और यहाँ साथ में आप लोगों को जो कुछ भी विंडोज है उनमें भी आप लोगों को ब्लैक बॉर्डरिंग नजर आएगा, ये सब देख सकते हैं आप। ब्लैक बॉर्डरिंग की वजह से विंडोज भी देखने में ज़्यादा स्मूथ दिख रही है। और यहाँ पर आप लोग एक छोटी सी स्पॉयलर भी नजर आएगा। ये स्पॉयलर मैंने काफ़ी समय पहले लगाया था, और जब मैंने आपको पिछली बार जब मैंने वो कार दिखाया था तो ये एक्चुअली व्हाइट कलर की था क्योंकि तब कार में वैसे भी कोई डिटेलिंग ज़्यादा डन नहीं हुआ था, सो इसलिए मैंने ये स्पॉयलर व्हाइट कलर की बनाया था। लेकिन बस रिसेंटली मैंने इसे ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया, और ब्लैक में कन्वर्ट करने की वजह से कार दिखने में ज़्यादा बेटर दिख रही है और ज़्यादा स्पॉटी भी दिख रही है। अगर इस रूफ टॉप की बात करें तो इस रूफ टॉप को एक्चुअली में बिल्कुल उसी टेक्निक में वेल वाइनल रैपिंग किया गया है जिस टेक्निक में मैंने आप लोगों को वीडियो में सिखाया था। वेल कुछ हफ्ते पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था जिसमें वेल मैंने ये सिखाया था कि आप कैसे हर किसी स्केल मॉडल्स की वेल रूफ टॉप को वाइनल रैपिंग कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को जिस तरह से करने के लिए सिखाया था बिल्कुल उसी टेक्निक से ही रूफ को वाइनल रैपिंग किया गया है। गोल्डन कलर की वाइनल रैपिंग वैसे कार के डिज़ाइन के साथ मतलब इतनी वेल मैच नहीं करी, अगर ये ग्रे होता तो ज़्यादा कूल लगता, लेकिन मेरे पास ग्रे वाइनल रैपिंग था नहीं जिसकी वजह से मैंने रूफ को गोल्डन कर दिया। वैसे जो भी हो गोल्डन करने की वजह से भी कार इतना भी उड़ी दिख रही है। और साथ में अगर इस सन रूफ की बात करें तो इसे ग्रे कर दिया गया है। ग्रे करने की वजह से ये जो सन रूफ ज़्यादा दिखने में अच्छी लग रहा है और साथ में ज़्यादा उखड़ कर आ रहा है। सिर्फ एक ही चीज़ मुझे समझ में नहीं आया कि ओरिजिनल Hyundai i10 में तो कोई सनरूफ नहीं होती है, तो पता नहीं आखिर इस कार में वेल ओरिजिनली सनरूफ क्यों उठा। वेल सेंटीटो अपने हर मॉडल्स में ही सनरूफ डालते हैं क्योंकि इससे कार देखने में ज़्यादा बेटर दिख रही है। खैर इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी सनरूफ होने की वजह से कार देखने में ज़्यादा स्पॉटी दिख रहा है ना कि बुरा दिख रहा है। और अगर सामने की इस विंडशील्ड की बात करें तो यहाँ पर भी आप लोगों को ब्लैक डिटेलिंग नजर आएगा, ये सब देख सकते हैं आप। ब्लैक डिटेलिंग की वजह से वेल जो विंडशील्ड है वो ज़्यादा बेटर दिख रही है। अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर वैसे कार में वेल इतनी हाईली डिटेल नहीं है, मतलब हाईली डिटेल है लेकिन एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन इंटीरियर में ज़्यादा डन नहीं हुआ है। बस आप लोगों को स्टीयरिंग व्हील में कुछ डिटेल नजर आएगा और यहाँ पर डैशबोर्ड में कुछ छोटी मोटी डिटेलिंग किया गया है, लेकिन उसके सिवाय कार का इंटीरियर ऑलमोस्ट स्टॉक कंडीशन में ही है, मैंने ज़्यादा मॉडिफिकेशन किया नहीं है। एक्चुअली में इस कार को इस तरह से कस्टमाइज किया गया है कि यह देखने में आजकल की मॉडर्न Hyundai कार्स की तरह दिखे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मॉडिफिकेशन एक्चुअली में कार में काफ़ी सूट कर रहा है क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि इतनी पुरानी मॉडल होने के बावजूद भी ये कार कितनी कमाल की दिख रही है। वैसे ये कार पुरानी नहीं है लेकिन मॉडल पुरानी है, लोग जानते हैं Hyundai i10 अब काफ़ी पुरानी हो चुका है और काफ़ी लोग तो शायद इस कार के बारे में अब धीरे धीरे भूलने भी लग रहे होंगे क्योंकि वैसे भी ग्रैंड i10 का ही काफ़ी सारे नए मॉडल्स आ चुका है। सो Hyundai i10 बहुत ही पुरानी मॉडल हो चुका है, लेकिन इन मॉडिफिकेशन के बाद अब आप खुद देख सकते हैं कि एक पुरानी Hyundai i10 भी कितनी कमाल की दिख रही है। तो चलिए गाइस अभी इतना ही,
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें मैं हमेशा कहता हूँ कि देखने में आसान लगती है, लेकिन जो बंदा ये सब काम करता है सिर्फ उन्हें समझ नहीं आता है कि सब कितना मुश्किल होता है। हर एक एक चीज़ें छोटी छोटी करके स्टेप में काटना, डिटेलिंग करना, ये सब कितनी हार्ड स्टफ है, आप लोग खुद जानते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, और मैं जल्दी आप लोगों के लिए एक और ऐसी यूनिक वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें मैं आप लोगों को ऐसी और भी कमाल की कस्टमाइज की गई और ऐसी यूनिक स्केल मॉडल कार्स दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन तब तक अगर आपको ये वीडियो सबसे पसंद आया, दे डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन सो यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी न्यू वीडियो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।